आदमी जो चाहे वो कर सकता है। 5 दिन पहले मैं पटना में था, 42-44 डिग्री की गर्मी झेल रहा था, और आज मैं अटल टनल से क्रॉस कर रहा हूँ, और वो भी अपनी गाड़ी से फैमिली के साथ। चलो कुछ नहीं है, डरना नहीं है बहादुर। ओ हो, देखो हाय हाय कर रहे हो लोग। जरूरत नहीं। जय बजरंगबली। ओ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं। मैगी आयन मैगिया निस्में ला रहा है भाई। देखिए यहाँ पे मैगी, गर्मा गर्म मैगी आप यहाँ पे खा सकते हैं। पापा अभी योगा कर रहे हैं, प्राणायाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आ जाए तो मम्मी हम लोग के लिए लंच बना रही हैं। भुजिया रोटी। और फिर यहाँ का मौसम तो है ही शानदार। ये देखिए, आपको अगर दिख रहा हो तो यहाँ से बर्फ भी दिखता है। Check the mic and make sure it sound right, boys. हम लोग नाश्ता वगैरह करके रेडी हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं बर्फ की तलाश में अटल टनल से आगे। देखिए अभी एक फटफटिया गया है, उसको इग्नोर कीजिए। कितना अच्छा है ये जंगल, एकदम घना जंगल है। कैनोपी तो बड़ा ऊपर है इसका। कैसा लग रहा है पापा गाड़ी चलाने में? एक्सीलेंट, अमेजिंग, एडवेंचरस, बता नहीं सकते। अभी यहाँ पे चेकिंग होने के लिए हम लोग रुके। हम लोग अभी अटल टनल के एंट्री से जस्ट इंटर किए हैं और आपको सामने अटल टनल दिख रहा होगा और हम लोग बस एंटर ही करने वाले हैं। 10,040 फीट ऊंचाई है। जय बजरंगबली। 9 किलोमीटर लंबी है ये टनल। हम लोग देखिए, आदमी जो चाहे वो कर सकता है। 5 दिन पहले मैं पटना में था, 42-44 डिग्री की गर्मी झेल रहा था, और आज मैं अटल टनल से क्रॉस कर रहा हूँ, और वो भी अपनी गाड़ी से फैमिली के साथ। तो अगर आप में कुछ करने का हिम्मत है, जोश है, जुनून है, जज्बा है, तो आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अटल टनल मैं आज तक वीडियोस में देखा करता था, यूट्यूब पे देखा करता था, और आज मैं उससे पार हो रहा हूँ। 9 किलोमीटर लंबी सुरंग है ये। माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे इसका नामकरण किया गया है, और इसके उस पार जब हम लोग जाएंगे तो उम्मीद है हमें बर्फ दिखाई देगी, और नहीं दिखाई देगी तो कुछ दूर और आगे बढ़ेंगे, लेकिन बर्फ को तो देखना है आज। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ आप भी अपना बैग्स को पैक कीजिए, और थोड़ा अपनी गाड़ी से या कैसे भी आप यहाँ पे, यहाँ या कहीं भी घूमने के लिए निकलिए। बहुत मजा आता है, बहुत एडवेंचरस है ये, और बहुत रिफ्रेशिंग है। काम तो जब तक जीवन है तब तक काम से छुटकारा मिलेगा नहीं। ठीक है, एग्जिट का भी जहाँ से सम डोर दिया हुआ ना, एग्जिट लिखा हुआ उधर 150 मीटर। हाँ, 200 मीटर होगा। जो जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अटल टनल में हमारे खानदान से सोने वाले पहले इंसान छोटी मोटी नहीं सो रहे थे।
देखिए 9 किलोमीटर लंबा टनल अब समाप्त होने ही वाला है और हम लोग यहाँ से बाहर निकलने ही वाले हैं। मजा आ गया। स्टॉप फॉर चेकिंग। अटल टनल पार करने के बाद अगर आप राइट साइड जाते हैं तो आप चले जाएंगे रोहतांग पास, जो काफ़ी नज़दीक है 50 किलोमीटर के आसपास। लेकिन हमें परमिट मिला नहीं, ऑनलाइन भी नहीं मिल पाया, तो हम लोगों ने लेफ़्ट लिया बारालाचा की ओर, जहां भी बर्फ़ देखा जा सकता था। क्योंकि मेरे एक मित्र हैं जो पटना से ही हैं, उदय जी, उन्होंने उनका कहना था कि बारालाचा में बर्फ़ है, वो एक सप्ताह पहले गए थे, तो हम लोगों ने भी बारालाचा जाने का ही रुख किया और हम लोगों ने लेफ़्ट लिया। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमें बर्फ मिलती है या नहीं मिलती है। तो प्रोग्राम थोड़ा चेंज हो गया है, अभी बारालाचा 2 घंटे दूर और है, करीब 60 किलोमीटर। तो हमें जाते जाते बच जाएगा करीब 5 और लौटने में फिर अंधेरा हो जाएगा। और यहाँ पे जैसा कि आपको रास्ते में दिखाई दे रहा है, कहीं भी रुकने का या किसी तरह का सहायता मिलना थोड़ी मुश्किल है, इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि आगे नहीं जाएंगे और यहीं से मुड़ जाएंगे, तो बर्फ़ नहीं देख पाएंगे, इसका काफ़ी अफसोस है। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे कि बारालाचा, रोहतांग पास, इवन लेह लद्दाख का एक ट्रिप लगाया जाए। नदी के पास लेते। अभी हम लोग जो है ना, वो जिप लाइन से, ये देखिए ये जिप लाइन से उधर जाने वाले हैं, उस साइड बीच में ये नदी है, शायद ये चेनाब नदी है, और इसको पार करके वहाँ पे जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे उतर करके वापस इधर से इस तरह होते हुए ये जो वाटरफॉल है वहाँ तक जाएंगे, और उधर से वापस फिर इसी रास्ते से यहाँ पे आएंगे और वापस हम लोग ये जिप लाइन से आ जाएंगे इधर। ठीक है, तो नहीं भाई टेंशन नहीं लेने का, जो डर गया समझो मर गया। ठीक है, तो देखते हैं कितना मज़ा आता है जिप लाइन। मैं जीवन में पहली बार कर रहा हूँ, आज तक मैंने जिप लाइन नहीं किया है, चुटकी में किया है वहाँ पटना इको पार्क में। हैप्पी रेडी? हाँ, डर लग रहा है? ठीक है, प्रशांत भी रेडी हो रहा है। मैडम नहीं जा रही हैं, बोल रही कि मैं इधर ही कार का पहरा दूंगी, गाड़ी का। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो भाई पहले मैं आ जाओ। अरे भाई तो हमको जानते कहाँ हो रही। रुक जाओ, यहाँ पे रश है अभी। यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखाऊँ आते जाते इसमें शूट करके। अरे क्यों डरता है? ठीक है, तो देखिए कितना एडवेंचरस जॉब ये है, लोगों को एडवेंचर करवा रहे हैं, बहुत पुण्य का काम है, और मुझे तो थोड़ा डिस्काउंट भी मिल गया। 4 लोगों का सिर्फ 1000, ऐसे 300 रुपया एक जन का है, बच्चों के चलते डिस्काउंट मिल गया। देखिए इस तरह लोग जाते हैं।
चलो कुछ नहीं है, डरना नहीं है बहादुर। ओहो देखो हाय हाय कर रहे हो लोग, जरूरत नहीं है बेटा। ओहो बहुत बढ़िया। अरे भाई क्यों तुम परेशान हो रही? पहुंच गए पहुंच गए। वाह ऐसे ठीक है ना, चश्मा गिरेगा नहीं ना मेरा, ये वाला चश्मा गिरेगा नहीं ना? नहीं जरूर जरूर। चुटकी वहीं पकड़ना, इसको पकड़ना, रस्सी को ऊपर मत पकड़ना, हाँ उसी को पकड़ना ऊपर, गलती से भी नहीं है, कुछ नहीं होगा। अब इसको थोड़ा ऊपर पकड़ू मैं, यहाँ पे यहाँ ठीक ठीक। जय बजरंगी। ओहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरना नहीं। अच्छा ये ब्रेक था है ना, मैं तो डर ही गया, हुआ क्या? प्रशांत भैया का मांस कम था ना, इसको खोल दो भैया, इस ऊपर उधर। अच्छा अच्छा क्या टाइट हो गया क्या? बस चल 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 उतर उतर उतर, मजा आया। जितना हम सोच रहे थे ना उसका 10% भी डर नहीं लगा। लेकिन भारी हो रहा है, पकड़ने में वो छोड़ सकते थे हाथ। हाँ मजा आ गया भाइयों। साइड से हम लोग इस साइड आ गए, साइड आ गए और अब वर्दी तो नहीं आई है, अब जा रहे हैं हम लोग ऐसा ट्रेल करते हुए झरना के पास। ठीक है लौटते समय। सो अब हम लोग ट्रेल करते हुए वाटरफॉल के पास जाएंगे, करीब आधे घंटे भर का ये है, हमें उस वाटरफॉल के पास जाना है जो आपको दिखाई दे रहा है, और ये रास्ता है। चलो स्पीड में कम ऑन। देखिए गोभी लगाया जा रहा है। हुआ ये जो स्प्रिंकल इरिगेशन हो रहा है ना, पटाया जा रहा है खेत को, तो चुटकी धीरे धीरे चल के हमको भिगवा दिए, खुद ही भीगी। देखिए मेरा हालत क्या हो गया, क्या हो गई है मेरी हालत, देखिए ये सब भीग गया है। चलो आ जाओ, वाह जन्नत है। चुटकी थक गई है, हमें ब्रेक लेना पड़ा चुटकी के चलते। छोटा सा ही ट्रेल है, कुछ खास नहीं है, फिर भी जिसका फिजिकल फिटनेस रहेगा वो आसानी से इसे कर लेगा, और जिसका नहीं है उसको तो सांस फूलेगी। आराम से रुक जाओ। मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं तो अभी जवान ऑलमोस्ट पहुंच गए, 5 मिनट और लगेगा मेरे ख्याल से। देखने में चीजें नजदीक लगती हैं पहाड़ों के, बट थोड़ी दूर होती है। आराम आराम से चलो चुटकी, तेज चल भी नहीं सकती हो तुम। भाई साहब
खूबसूरत हवा बह रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, एकदम शानदार। बर्फ से टकरा करके जो हवा आ रही है ना, एकदम अति सुंदर है, अति शीतल, बहुत ही ठंडी हवा है, शानदार, जबरदस्त। क्या बात है, घर से बाहर निकलिए और थोड़ी दुनिया को देखिए, कितनी लाजवाब है ये धरती। हम लोग बस स्प्रिंग के पास पहुंचने ही वाले हैं, यहाँ पे है देखिए, दो बकरियां हैं यहाँ पे, पहाड़ी बकरियां, माउंटेन गोट्स। ये जो स्प्रिंग है उसकी भव्यता बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जा रहे हैं। चलो ये देखिए, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया, उतर आई नहीं जा रहा, इधर से इधर से इधर से, अरे इधर से आओ, पैर को ना ऐसे रखो, ऐसे ऐसे नहीं, हाँ गुड, बहुत अच्छा, तुम कर सकते हो, हैप्पी, वेरी गुड, बो उतर गया आखिर। मैगियान मैगिया नस्मेल आ रहा है भाई, देखिए यहाँ पे मैगी, गर्मा गर्म मैगी आप यहाँ पे खा सकते हैं। ए चुटकी रुको, अभी चढ़ल जा रहा है। इतना शानदार रास्ता है ये, देखिए यहाँ पे पानी जो है ऊपर ऊपर से जा रहा है और ऊपर एक छत जैसा बन गया है, उतरा ही नहीं जा रहा है, डर रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए क्या खतरनाक भी है ये, बच्चों को तो नहीं आना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे छोटा बच्चा भी आया हुआ। तो क्या हम लोग झरने तक पहुँच पाए, ये आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंजॉय कीजिए, टेक केयर, हैप्पी। बर्फ जमा हुआ है, देख लो बर्फ जमी हुई है वहाँ पे, वाइट वाली, आओ पहले नीचे देखिए, ये बर्फ ही है एक्चुअली, ये बर्फ है 110%, ये बर्फ है देखिए पूरा। I'm kind of butter.